उत्तर प्रदेश के भदोही में बीजेपी जिला महामंत्री लाल बहादुर मौर्य की कोविड अस्पताल में कोरोना से हुई मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीनानाथ भास्कर ने अस्पताल में तैनात चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। परिजन का चिकित्सक पर आरोप है कि जिला महामंत्री के इलाज की मांग पर चिकित्सक ने कहा कि तुम्हारा इलाज डीएम, सीएमओ और मुख्यमंत्री योगी करेंगे क्योंकि तुम भाजपा के जिला महामंत्री हो। बीजेपी नेता का 27 अप्रैल को कोरोना की वजह से निधन हो गया था। बरेली के कद्दावर नेता और नवाबगंज क्षेत्र से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। उनका नोएडा के अस्पताल में इलाज चल रहा था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। लखनऊ के सुरेश श्रीवास्तव और औरैया के रमेश दिवाकर के बाद केसर सिंह यूपी में बीजेपी के तीसरे विधायक हैं जिनका कोरोना की दूसरी लहर में अब तक निधन हो चुका है। पिछले दिनों विधायक केसर सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। परिवार ने उनका बरेली में इलाज शुरू कराया मगर बेहतर इंतजाम नहीं मिल पाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसे लेकर उनके बेटे विशाल गंगवार ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया तक पर बयां की थी। मेरठ जिले में पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान से दो दिन पहले प्रधान प्रत्याशियों की तरफ से बांटी गई जहरीली शराब पीने से 3 दिन के अंदर 10 ग्रामीणों की मौत हो गई। शुरुआती दौर में घटना पर पर्देदारी कर रहा प्रशासनिक अमला मामले के हाईलाइट होते ही अलर्ट मोड में आ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 2 प्रधान प्रत्याशियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ शराब के 2 ठेकों को सील करते हुए पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए अभी भी समर्पण निधि का आना बंद नहीं हुआ है। करीब एक हफ्ते पहले टाटा सन्स मुंबई की तरफ से 5 करोड़ रुपए की धनराशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में RTGS के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अभी करीब एक हफ्ते पहले टाटा सन्स मुंबई ने 5 करोड़ की धनराशि RTGS के माध्यम से भेजी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने में प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 6 मृत शिक्षकों की ड्यूटी मतगणना के लिए लगा दी गई। ललितपुर में 19 अप्रैल को दूसरे चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए और मतगणना आगामी 2 मई को होनी है। मतगणना के लिए चुनाव में उन आधा दर्जन अध्यापकों की ड्यूटियां लगा दी गईं जिनकी अभी कोरोना या बीमारी के चलते 15 दिनों के भीतर मौत हुई है। मामला सामने आने के बाद अब ड्यूटी बदली जा रही है।